सरोकार। रेल मंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस का करेंगे शुभारंभ, दिल्ली से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आज होगा शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम करेंगे शुभारंभ। लखनऊ के हजरतगंज में युवक पर कई राउंड फायरिंग, ट्रामा सेंटर में हालत गंभीर। बुलंदशहर में एसबीआई बैंक से बदमाशों ने लूटे 2.95 लाख, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। लखनऊ में बारिश, कानपुर में आंधी, आज 20 शहरों में बरसात का येलो अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। यूपी की मेजबानी में आज तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज बीबीडी यूनिवर्सिटी प्रांगण में किया जाएगा, जहां पीएम मोदी वर्चुअली मौजूद होकर इस आयोजन के शुभारंभ की घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 जून तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देश भर से 200 विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 21 खेलों में 1900 पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे। वहीं मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर खास मेहमान होंगे। साथ ही उद्घाटन समारोह शाम 6:50 से शुरू होगा। 70 मिनट तक चलने वाले समारोह के दौरान जहां भारतीय सेना के बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा और अगली कड़ी में मशाल का प्रज्वलन किया जाएगा। इसके बाद राजकीय पशु बारहसिंगा से प्रेरित खेलों का शुभंकर जीतू भी समारोह का एक अभिन्न हिस्सा होगा। बताते चले कि गौतम बुद्ध नगर के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में 23 मई से पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में कबड्डी के ग्रुप लीग की शुरुआत हो गई है। तो आपको बता दें, आज खेलो इंडिया गेम्स का भव्य स्वागत हुआ है, आज पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। तो आपको बता दें, आज पीएम मोदी खेलो इंडिया का भव्य स्वागत करेंगे। वहीं आज से खेलो इंडिया में कई सारे जो गेम्स हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरफोर्स के विमान के लैंडिंग टायर नहीं खुलने से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 2 बार प्रयास करने के बाद भी अगले पहिए नहीं खुले थे, वहीं तीसरे प्रयास में लैंडिंग टायर खुलने के बाद लैंडिंग हो पाई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लैंडिंग सकुशल हो गई है। तो आपको बता दें, हिंडन एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जबकि आगे का पहिया न खुलने की वजह से कहीं ना कहीं सब अफरा तफरी का माहौल बच गया था। जहाज के अंदर में पायलट भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर क्या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सकुशल दोबारा से फिर लैंडिंग कराई गई। लगभग 7 बजे की पूरी ये घटना बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों को साफ तौर पर इस पर कहना है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई तो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग सकुशल हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत की परेशानी नहीं हुई है। साफ तौर पर बता दें आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब फ्लाइट जब लैंड करती है या टेक ऑफ करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो टायर या किसी फ्लाइट के अंदर मरम्मत को लेकर जो बात होती है, कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसके बाद ये जो हिंडन एयरपोर्ट पर जो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, उसके बाद जो अधिकारी थे, आला अधिकारी ने संज्ञान लिया पूरे मामले को, फिर उस पर जांच करके बताया गया कि आखिर जो ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है इसका कारण टायर ना खुलने की वजह रही है। जी जी प्रवीण, तो जैसे कि आपने कहा मरम्मत का काम चल रहा था जिसकी वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, पर कहीं ना कहीं अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग ना करवाई जाती तो एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था।
जी बिल्कुल, देखिए अमूमन देखा गया जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले सारी चीजें तहकीकात कर ली जाती है, फ्लाइट को देख लिया जाता है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। हालांकि ये गलती कैसे हुई और किस तरह से हुई ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग ना कराई जाती और ये टायर ना खुलता तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद प्रवे। वहीं आगरा में 2000 के नकली नोट पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि एक कारोबारी बैंक में 2.85 करोड़ जमा करने आया था, जिसमें से 2000 के 13 नोट नकली पाए गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने कारोबारी को हिरासत में ले लिया। नकली नोट पकड़े जाने से बैंक में खलबली मच गई है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं थाना रकाबगंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से जिशान जुड़ चुके हैं। तो जिशान, नोटबंदी के बाद आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए ईशा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यापारी ने 2.85 करोड़ रुपए जमा करने के लिए बैंक गया था। बैंक ने 2000 के नोटों की जाँच की, उसमें से 13 नोट 2000 के नकली निकले, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने थाना रकाबगंज पुलिस को उसकी जानकारी दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। व्यापारी के पास ये 2000 के नकली नोट कहां से आए, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी जी, तो जिशान, जब से ये 2000 के नोट बंद हुए हैं आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो जो प्रशासन है वो कोई सख्त रुख नहीं अपना रही इसको लेकर? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो व्यापारी था जो 2.85 करोड़ रुपए जमा करने गया था, हालांकि प्रशासन की तरफ से भी सख्ती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्योंकि इस पूरे मामले की जांच में लगा हुआ है, व्यापारी के पास 2000 के नोट 13 नकली कहां से आए और कैसे आए, तो कह सकते हैं कि प्रशासन सख्त है, लेकिन पूरे मामले की जाँच की जा रही है, उसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसमें दोषी होंगे। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद जिशान। वहीं बुलंदशहर जनपद के गुलावटी में बदमाशों ने एसबीआई बैंक की सुरक्षा में सेंध लगाकर बैंक पर तैनात पुलिसकर्मियों की सक्रियता की पोल खोल डाली है। बदमाश गुलावटी के भारतीय बैंक के कैश कैबिन से 2.95 लाख रुपए की नगदी लेकर फरार हो गए। बैंक की कैश कैबिन से नगदी उड़ाने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। मैं रोज की तरह पेट्रोल पंप से 7 लाख रुपए कैश जमा करने के लिए एसबीआई गुलावटी शाखा में गया था। वहाँ मैंने अंदर केबिन के कैश केबिन के अंदर जाके वहाँ मेज पर पैसे रखे और मैंने उनको कैश और सामान लेने दे दिए। उन्होंने 4 लाख रुपए ले लिए और बाकी पीछे मेज पर पैसे रख रहे, पीछे से कोई आदमी अंदर घुसा और उसने वहाँ से पैसे गायब कर दिए। सब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। तो विशाल, जैसे कि हम देख सकते हैं इस वीडियो में, जो चोर है वो जो बैंक है उसमें वारदात करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, जनपद गुलाबी का एसबीआई का मामला है, जहाँ दिन दहाड़े बदमाश बैंक में घुस जाते हैं और केबिल जहाँ कैश जमा किया जाता है, वहाँ केबिल में बदमाश घुस जाते हैं और वहाँ से 2,95,000 रुपए उठा के फरार हो जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी चुनौती दी जाती है। हाँ जी, तो क्या कुछ कर रही है अब इस मामले को लेकर पुलिस? पुलिस उसमें जांच में जुट गई है और जल्द खुलासा किया जाएगा। एसपी शिलोक कुमार का दावा किया गया है। तो विशाल, क्या कुछ जानकारी है, कितने जो पैसे हैं लूटे गए हैं बैंक से? 2,95,000 रुपए का कैश वहां से चोरी किया गया बदमाश द्वारा। जो सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज कैद हुई है, उसी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द खुलासे करने की श्लोक कुमार ने। जी, तो विशाल, अभी तक इस मामले में कुछ कार्रवाई हुई है? विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकरण किया गया है। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विशाल। वहीं पीलीभीत में
उपभोक्ताओं से बिल जमा करने पर प्रति बिल 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। विद्युत वितरण खंड कार्यालय पूरनपुर से संबंधित बिल जमा करने के लिए चलाई जा रही गाड़ी में बिल जमा करने वाले कर्मचारी उपभोक्ताओं से प्रति बिल पर 10 रुपए की अधिक वसूली करके उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर गाड़ी में बिल जमा करने वाले कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता भी करते हैं और लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं, जिसके चलते उपभोक्ता ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है और अवैध वसूली कर रहे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई को लेकर मांग की है। जी, मैं पकड़ मंत्री एडवोकेट नाम है मेरा और यहीं पर तहसील में मैं अधिवक्ता हूँ, यहीं बिजली का व्यवसाय करता हूँ। मेरा बिजली का बिल है 603 रुपये का, पहला बिल आया है तो हर कस्टमर से 20 रुपये 10 रुपये सबसे फालतू ले रहे हैं। हमने कहा करें नहीं, वो 10-20 रुपये तो जाते ही हैं, हम लोग के भी खर्चे हैं। मैं यहाँ बिल जमा करने आया था और भी उपभोक्ता खड़े हुए थे जिनसे 10 रुपये प्रति मतलब बिल के जो बिल है बिल के 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे जा रहे थे। मेरा बिल 173 रुपये का था, जब मैंने बिल दिया इनको मैंने पूछा कितने, बोले 10 रुपये कमीशन के बने हुए हैं तो 10 रुपये इन्हें कमीशन चाहिए। मतलब हर बार यही रवैया है विद्युत विभाग का। तो आपको बता दें, आए दिन विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। जो ये कर्मचारी हैं ये कहीं ना कहीं शोषण करते हुए नजर आते हैं। जो विद्युत कर्मचारी हैं कभी अधिक पैसे वसूलते नजर आते हैं तो कभी अवैध वसूली करते हुए नजर आते हैं जो विद्युत कर्मचारी हैं। वही अब इसको लेकर प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती हुई नजर आ रही है। वही ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं। इसी बीच अब एक नया मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां उपभोक्ताओं से बिल जमा करने पर प्रति बिल 10 रुपये वसूले जा रहे हैं। विद्युत वितरण खंड कार्यालय पूरनपुर से संबंधित इस बिल जमा करने के लिए चलाई जा रही गाड़ी में बिल जमा करने वाले कर्मचारियों उपभोक्ताओं से प्रति बिजली बिल 10 रुपए की अधिक वसूली करके उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। तो अमित, इस मामले पर जो प्रशासन है वो क्या कार्रवाई कर रही है? जी, आपको बताते चलें, ऐसी जो है लोग अभी तक जो बिल जमा करने के लिए जाते हैं उस पे जो गाड़ी वाले हैं ना, तो उसपे 10 रुपए प्रति उपभोक्ता से 10 रुपए वसूल करते हैं। और जिसके बाद में शिकायत करो तो शिकायत करता हूँ कि कोई शिकायत मानी ही नहीं जाती है, क्योंकि ये लगातार भ्रष्टाचार चलता चला आ रहा है। जिसके बाद में ना जैसे गांव जैसे ग्रामीण जो कनेक्शन होते हैं उसमें भी लोग फर्जी लोग जाते हैं और मीटर से अपना बिल निकालते हैं, बिल में अधिक रुपए निकाल के दे देते हैं, जिसके बाद में उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अभी जो नया मामला निकल के आया पूरनपुर से, बताते चले कि गाड़ी जो बिजली गाड़ी है उस पर बिल जमा करने के लिए जाते हैं उपभोक्ता लोग, उनके लिए जो 10 रुपए की डिमांड कर्मचारी करते हैं तो उसके पीड़ित तो लोगों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, तो अमित, इस मामले में किन किन जो विद्युत कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं? जैसे कि कई लोग हैं नामजद इसमें तहरीर में दिए गए हुए और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएमओ से भी ये जो है एक्शन उससे भी शिकायत की गई, लेकिन इसकी अभी कोई जानकारी नहीं निकली है कि क्या कार्रवाई की गई है क्या नहीं की गई। और जैसे कि उपभोक्ता के यही कर्मचारी लोगों के लिए नामजद हुए हैं। तो अमित, वही अब जो उपभोक्ता हैं वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं इसको लेकर? वो अपने न्याय चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो अवैध वसूली की जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद अमित। तो आपको बता दें, बिजली कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो उपभोक्ता हैं। वहीं जो उपभोक्ता हैं उनके साथ लगातार जो है शोषण की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं उन्नाव में युवक को घर में घुसकर गोली मारी गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोती नगर UDA कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी में झुलसाने वाली धूप और चिलचिलाती गर्मी से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 28 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं, जिससे हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 20 शहर में येलो अलर्ट और 17 शहर में आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज से 28 मई तक 62 किलोमीटर बारिश होने की अनुमान जताया है।
तो आपको बता दें 20 शहरों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज कई जिलों में जो मौसम है वो सुहावना देखने को मिला, बारिश देखने को मिली है यूपी के कई जिलों में, वहीं जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें लगातार गर्मी से जूझ रहे थे लोग, वहीं इस बीच अब लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई नजर आई है। यूपी में झुलसाने वाली जो धूप थी और जो चिलचिलाती हुई गर्मी थी उसके बाद अब कुछ दिनों के लिए जो लोग हैं उनको राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का इसको लेकर कहना है कि 28 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं हीट वेव से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही 20 शहर में येलो अलर्ट और 17 शहर में आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें मौसम विभाग ने आज से 28 मई तक 62 किलोमीटर बारिश होने का भी अनुमान जताया है, जिसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। वहीं जो किसान है, इसी बीच जो किसान है उनको कहीं ना कहीं इसको लेकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भारी ओलावृष्टि देखने को मिल रही है और जो भारी बारिश देखने को मिल रही है उसको लेकर जो किसानों की फसलें हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। उनकी जो फसलें हैं उस पर कहीं ना कहीं नुकसान होता दिख रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी हैं। तो सुहानी, आज क्या कुछ रुख है मौसम का? जी ईशा, आपको बता दें कि मौसम विभाग में काफी अचानक जो करवटें ली है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो जनजीवन में जो हमें आम जनजीवन है उसे तो कहीं ना राहत मिलेगी, लेकिन जो किसान है उनके जो वो है बहुत ज्यादा इसमें बदलाव आने लगा, बहुत ज्यादा उनका नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो तेज बारिश के साथ जो ओलावृष्टि होने वाला है उसके साथ बहुत जो उसको ओलावृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं उनके फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे, उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसमें अब कुछ वही तो कहा जा रहा कि जो इस टाइम तो कहा जा रहा था कि मई और जून में कोई बारिश होने की संभावना नहीं थी, लेकिन अचानक से जो करवटें ली है मौसम वो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन वही आम जनजन जो कि इतने भयानक जो गर्मी था, जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी 40 के पार हो गया था, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन वही बता दें आपको कि 57-58 जिले ऐसे हैं जहां से लेके मध्य प्रदेश में कई एमपी यूपी हर जगह पे ये जो ओलावृष्टि जो है और भारी बारिश के साथ ये होने वाला है। और ये 28 कहा जा रहा है कि 28 तारीख से ज्यादा तेज हो जाएगी, तो वही मौसम विभाग ने इसे ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है इन जिलों में। जी तो सुहानी, जैसे कि आपने कहा कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जो किसान है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो बता दें आपको कि मतलब ये जो बारिश, ये जो जितनी तेज जो धूपे पड़ रही थी कहीं ना कहीं जो आम जनजन से परेशान था, यहाँ तक कि जो जी थे या बता दें आपको जो यहाँ पे जू में जाकर देख सकती है कि किस तरह से जो जानवर थे वो किस तरह से धूप से तड़प रहे थे। और कहीं ना कहीं जो धूप था ये इसके जो पारा बढ़ता गया था, रिकॉर्ड तोड़ ये गर्मियां थी और कहीं ना कहीं बहुत इसे लोगों पे इस बार प्रभाव पड़ा। और ओलावृष्टि हो रहा तो कहीं ना कहीं ये कुछ दिनों तक, क्योंकि मई और जून में ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं बताया जा रहा था और लगातार जो मौसम विभाग है इस पे अपडेट दे रहा है और इस पे ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद सुहानी। तब को बता दें 20 शहर में बरसात की आज आशंका है। वही कई शहरों में आज जो मौसम है वो सुहावना देखा जा सकता है। कानपुर में जहां आंधी देखने को मिली है, तो वहीं लखनऊ में आज झमझम बारिश भी हुई है। 20 शहरों में बरसात का येलो अलर्ट दिया गया। आपको बता दें 28 मई तक हीट वेव का कहीं ना कहीं आशंका थी, वहीं अब बारिश से लोगों को राहत मिली है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, कानपुर में कैसा मौसम है? जी ईशा, को नजर कल शाम की बात अगर की है तो कानपुर में बारिश हुई है और लगातार देखा तो कल की अपेक्षा आज जो है मौसम में जो है टेम्परेचर काफी गिरावट हुई है। ठंड हवा चल रही है, पर मौसम विभाग के जो मनोवैज्ञानिक उनका साफ कहना है कि संभवतः यह है कि कानपुर में जो बारिश जो है आज शाम को बूझदार बारिश होनी है। कहीं एक अलर्ट जारी किया है कि जो किसान है वो अपनी जो फसल जो है वो जो फसल को जो है लेट बोए, क्योंकि देखा था मानसून जो है वो कानपुर के आसपास क्षेत्र है उसमें 1 जून से 7 जून तक मानसून आने की पूरी संभावना है। जी तो उपेंद्र, क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग ने किसानों को दी है इस मौसम को लेकर?
जी हम बता रहे हैं कि मौसम विभाग का साफ अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो 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 फसल बोई जाएगी उसको लेकर पानी की जो बारिश इम्पोर्टेंट है खेती के लिए। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो मानसून है वो जो लगातार जो बारिश जो है उस बारिश को लेते हुए अगर बात की जाए तो जो मानसून काफी लेट आएगा, इसलिए बुआई के लिए पानी जो है वो कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, तो इससे फसल खराब होने का आगे खतरा रहता है। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद उपेन। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।